दोस्तों, इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने ही वाली है, लेकिन शुरू होने से पहले कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिन विशेष और खास तो होते ही हैं, बल्कि ये सिद्ध दिन भी होते हैं। और यही वजह है कि सब लोग नवरात्रि के दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर कुछ भी कर लिया जाए तो वो चीजें आपके जीवन में एक खास परिवर्तन ला सकती हैं। ना केवल परिवर्तन ला सकती हैं, बल्कि अगर आप किन्हीं मुश्किलों में फंसे हुए हैं तो उनसे भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि पर देवी माँ का एक विशेष आशीर्वाद हर एक व्यक्ति पर बना रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दिनों का लाभ उठा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हें यूं ही गवा भी देते हैं। और इस बार नवरात्रि में देवी माता हाथी पर बैठकर आने वाली हैं। यूं कहा जाता है कि जिस भी नवरात्रि में देवी माँ हाथी पर बैठकर आती हैं, तो वो नवरात्रि सुख समृद्धि जीवन में बढ़ाने के लिए, यश वैभव बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाती है। इसीलिए इस बार नवरात्रि शुरू होने से ही पहले आप कुछ खास तैयारी को और अपने घर को, अपने आप को, बल्कि घर के सभी लोगों को भी तैयार कर लें, जिससे नवरात्रि में आपको सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति हो सके। अगर आप इन खास तैयारियों को नहीं करते हैं तो इससे नवरात्रि के दिनों का पूर्ण लाभ तो मिल ही नहीं पाता है, बल्कि जब नवरात्रि शुरू भी होने वाली होती है तो उन दिनों में शुरुआत ही बिल्कुल बेकार सी टेंशन में हो जाती है। क्योंकि अगर नवरात्रि शुरू हो और नवरात्रि शुरू होने से पहले आपकी तैयारी ही ना हो, तो ऐसे में मन में एक विचलित भाव सा उत्पन्न होने लग जाता है। इसीलिए इससे बचने के लिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कुछ खास चीजों को अवश्य ही कर लें। सारी चीजों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे देवी माता की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि नवरात्रि के दिनों में सबसे पहली चीज यही करी जाती है कि अपने घर को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। साफ सफाई कर लें ये तो सभी बात जानते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अगर कर ली जाएं तो विशेष रूप से लाभ प्राप्त करवाती हैं। जैसे कि जब आप सफाई करते हैं तो ऐसे कोने जब सफाई करते हुए आप देखते हैं कि जहां पर सबसे अधिक आपको मकड़ी के जाले आदि वगैरह प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, या फिर ऐसे कीड़े मकोड़े आपको ज्यादा प्राप्त होते हैं जहां पर आप साफ सफाई कर रहे हो, दूसरे स्थानों की तुलना में कहीं अलग स्थान पर ज्यादा कीड़े मकोड़े, गंदगी, मकड़ी के जाले आदि प्राप्त होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सफाई करते समय, सफाई करने के पश्चात वहां पर एक कपूर और चार लौंग को अवश्य ही डाल दें। आपको ये बता दें कि जहां भी आप ये देखते हैं कि मकड़ी के जाले जहां पर ज्यादा बन रहे हैं, तो वहां पर मकड़ी के जाले ये संकेत करते हैं कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। नकारात्मक ऊर्जाएं वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके घर में बाहर से प्रवेश करती हैं, और यही वजह है, और इन्हीं के कारण आप अपने जीवन में, घर में काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो साफ सफाई करने के बाद जो मार्केट में एक कपूर की छोटी सी गोल सी टिक्की प्राप्त होती है, वही आप रख दें और चार लौंग भी उसके साथ रख दें। ऐसा करने से मकड़ी के जाले आप ये देखेंगे कि वहाँ आसानी से नहीं बन पाएंगे, बल्कि जब उन लौंग का, उन कपूर का प्रभाव खत्म हो जाता है, तभी केवल मकड़ी के जाले वहां पर बनना दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो साफ सफाई आप अपने घर में अवश्य ही कर लें, खास करके जो कमरों के कोने हैं उनमें सबसे अधिक मकड़ी के जाले देखने को प्राप्त होते हैं। तो आप एक विशेष प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि जब अपने कमरों में, आप कोनों में साफ सफाई को कर लेते हैं, तो जो कमरे के कोने हैं उन पर आप एक ओम छोटा सा अवश्य लिख दें, क्योंकि नवरात्रि के दिन विशेष और खास दिन होते हैं, ये अपने आप में सिद्ध होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड से इन्हीं दिनों में कुछ खास विशेष प्रकार की ऊर्जाएं धरती पर आगमन उनका होता है, यानी कि संचार होता रहता है, और इन्हीं ऊर्जाओं को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए बहुत लोग अपने जीवन में साधना, मंत्र जाप, व्रत आदि वगैरह करते हैं, जिससे उन्हें अधिक ब्रह्मांड से जो ये जादुई और चमत्कारिक शक्तियां संचार हो रहा है उन्हें प्राप्त हो सके। तो ये चीजें आपको भी करनी है। अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले वीडियोस में मंत्रों के काफी सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, विशेष चीजें भी लेकर आएंगे, तो उन वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देवी माता धरती पर ही विराजमान होती हैं, और खास करके ब्रह्मांड से एक विशेष प्रकार की तरंगे धरती पर बरसती रहती हैं। और आप ये भी देखिएगा कि बाकी दिनों की तुलना में नवरात्रि के दिनों में, खास करके जब भी नवरात्रि आने वाली होती है, नवरात्रि से कुछ ही दिनों पहले ही मन में एक सुखद और सुख का अनुभव अपने आप होने लग जाता है। अब आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है,
तो इसकी वजह भी यही है कि ब्रह्मांड अपने आप को तैयार कर रहा होता है धरती पर उन विशेष प्रकार की तरंगों को भेजने के लिए। इसीलिए अधिक से अधिक इन्हें प्राप्त करना चाहिए। जो लोग अपने घरों में नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उनके घरों में वो विशेष प्रकार की तरंगे घुस ही नहीं पाती हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई कांच की चीजें टूटी हुई हैं, जैसे कि जो घड़ी का शीशा होता है या फिर खिड़कियों का शीशा होता है, किसी भी प्रकार से कोई भी अगर कांच की चीज टूटी हुई है तो उसे भी आप अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल कर फेंक दें। क्योंकि अगर इस टूटी हुई चीज को आप अपने घर में नवरात्रि में रखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि नवरात्रि के दिनों में विशेष प्रकार की तरंगे धरती पर बरसती हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में गलत चीजों को आप करते हैं तो वो तरंगे आपकी गलत चीजों को ही बढ़ा देती हैं, और अच्छी चीजों को करते हैं तो वो तरंगे आपकी अच्छी चीजों को बढ़ा देती हैं। इसीलिए यूं भी कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा करें कि मांस और मदिरा बिल्कुल भी ना खाया करें। और इस बार नवरात्रि में इस चीज को आप खुद भी ये करके देख सकते हैं कि इस बार नवरात्रि में बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन आप ना करें, और ये देखें कि पूरा साल आपको मांस और मदिरा सेवन करने का मन भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर नवरात्रि के दिनों में गलतियों को आप करते हैं तो वही गलतियां फिर पूरे साल अगले नवरात्रि तक होती ही चली जाती हैं। और यही वजह है कि बहुत लोगों के जीवन में इसी चीजों से बहुत संकट और कष्ट का उन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर कांच की चीजें आपके घर में टूटी हुई हैं तो ये राहु और केतु के दोष को आपके घर में आपके घर के लोगों के ऊपर ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में इन दोष को आपको नहीं बढ़ाना है। कांच की चीजों को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि वो तो पहले से ही टूटी हुई हैं, उन्हें संभाल कर आप करेंगे भी क्या, उन्हें निकाल कर फेंक ही दें। जिन लोगों के ऊपर राहु और केतु के दोष बढ़ जाते हैं तो उन लोगों के मन में मानसिक तनाव, एक दूसरे के प्रति जलन सी उत्पन्न होने लग जाती है। और यही वजह है कि जब ये राहु और केतु के परिणाम घर पर आने लग जाते हैं, दुष्प्रभाव पड़ने लग जाते हैं, तो उस घर में बरकत नहीं हो पाती है। सुख समृद्धि तो आना दूर की बात है, घर के सभी लोग सुख समृद्धि को ही नष्ट करने पे तुल जाते हैं। खास करके जो घर के बड़े लोग होते हैं उनकी एक प्रकार से बुद्धि सी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि राहु और केतु ये तो ऐसे ग्रह हैं जो माया को उत्पन्न करते हैं, यानी कि उस व्यक्ति की बुद्धि को बिल्कुल अच्छी तरह से भ्रष्ट कर देते हैं, और वो व्यक्ति फिर अपने जीवन में सही प्रकार से नहीं सोच पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे पता ही नहीं लग पाता है। दूसरी चीज ये है कि नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप एक छोटी देवी माता की मूर्ति अवश्य ही लेकर आएं। नवरात्रि में खरीदारी करना विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। कौन कौन सी चीजें खरीदना लाभकारी होता है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि देवी माता की छोटी सी मूर्ति, अगर शिव परिवार की छोटी सी मूर्ति आप लेकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, और जो पुरानी मूर्तियां होती हैं नवरात्रि आने से पहले ही उन्हें गंगा में या किसी भी नदी में विसर्जित कर देते हैं, तो इससे फायदा ये प्राप्त होता है कि अगर आपके घर पर किसी ने कुछ करवाया होता है, किसी की बुरी नजर होती है, तो सबसे पहला जो स्थान है घर का, वो घर का मंदिर ही होता है। यानी जब कोई शत्रु आप पर कुछ चीजों को करवाता है, बुरी नजर लगाता है, तो इससे घर के मंदिर की जो ऊर्जाएं होती हैं, वहां पर देवी देवताओं की फोटो और तस्वीरें होती हैं, वो ही बांध दी जाती हैं। और यही वजह है कि फिर आप पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं, उनका कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। और नवरात्रि के दिन ऐसे ही दिन होते हैं कि इन्हीं दिनों में आप अपने घर के मंदिर को शक्तिशाली बना सकते हैं। जिस घर का मंदिर शक्तिशाली होता है, जहां पर देवी माता की कृपा हो, तो उस घर में, उस परिवार में प्रेम अवश्य ही पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बना रहता है। उस परिवार में कभी भी फूट नहीं पड़ती है, और ना ही वो लोग अलग होते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रेम से वह रहते हैं। इसीलिए इस चीज को ठीक करने के लिए खास करके जो पुरानी मूर्तियां हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, उन्हें आप गंगा नदी में या किसी भी नदी में विसर्जित कर दें, और हो सके तो अगर आप उन्हें विसर्जित नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेने के पश्चात गंगा जल में एक दिन के लिए उन्हें डुबोकर अवश्य ही रख दें। जैसे कि नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, तो पहले ही 15 अक्टूबर से पहले ही ये सारी चीजों को करके आप अपने घर के मंदिर को अवश्य ही रिचार्ज कर लें, और नई तरंगों को आकर्षित करने के लिए इसे पहले ही तैयार कर लें। अगर किसी की बुरी नजर लगी भी होगी या किसी ने कुछ करवाया भी होगा, तो गंगा जल में धोने से और गंगा जल के छींटे मारने से वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और पितृ पक्ष में खास करके जो अमावस्या का दिन है, उस दिन खास करके इस विशेष कार्य को आपको करना है।
ऐसा करने से फायदा ये भी होता है कि पितृपक्ष में अमावस्या के दिन ये चीजें अगर आप करते हैं तो इससे पितरों को काफी ज्यादा संतुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होती है। वो सारी बुरी बलाएं आपकी ले जाते हैं और घर में सुख और समृद्धि बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा विशेष हैं, इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताते हैं जिनसे आप नई चीजों को सीख सकें। इसी क्रम में तीसरी चीज ये है कि घर के जो तिजोरी है जहाँ पर आप धन सोना चांदी आदि वगैरह रखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोना चांदी आप रखकर भूल ही जाते हैं, वहां पर चेक ही नहीं करते हैं, उन्हें देखते ही नहीं है। और बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कि सोना और चांदी रखकर भूल जाते हैं, रोज रोज कौन चेक भी करता है। तो ऐसा होने से सोना और चांदी के ऊपर एक छोटी सी परत धूल की जमा होने लग जाती है और बस यही दुख को आकर्षित जीवन में करती है, धन को ब्लॉक कर देती है। इसलिए नवरात्रि में खास करके आप पानी में एक चम्मच हल्दी मिलाकर नवरात्रि से ही पहले जितनी भी सोने की चीजें हैं उन्हें डुबोकर उस हल्दी के पानी में रख दें। ऐसा करने से आपके जो सोने की चीजें हैं वो ज्यादा चमकने लगेंगी और रिचार्ज हो जाएंगी, यानी के जो नवरात्रि के दिनों में विशेष प्रकार की तरंगे धरती पर बरसती हैं तो वो सोने की चीजें अपने आप को उन्हीं दिनों में अपने आप रिचार्ज कर लेंगी। तो जितने भी आभूषण या जितनी भी चीजें आपने अपनी तिजोरी में रखी हुई है उन्हें हल्दी के पानी से अवश्य ही साफ कर लें। जो चांदी की चीजें हैं उन्हें कच्चे दूध में आपको साफ करना है। सोना और चांदी धन को दर्शाते हैं और अगर आप अपने धन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उन्हें साफ ही नहीं करते हैं, तो कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ सकती है। इन चीजों को अवश्य ही ध्यान रखें, खास करके नवरात्रि के दिन शुरू होने से पहले। इसी के साथ नवरात्रि के दिन शुरू होने से पहले वहां पर एक छोटी सुपारी लाल कपड़े में बांधकर दुर्वा घास के साथ भी अवश्य ही रखते हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिन रोज धूप और दीप अपनी तिजोरी में दिया करें। ऐसा करने से देवी माता लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर साथ बना रहता है, कृपा बनी रहती है और घर में बरकत निश्चित तौर पर तेजी से डबल होकर बढ़ती है। जैसे कि अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो इस प्रयोग को अवश्य ही करें, अपने व्यापार स्थल पर करें, अगर नौकरी करते हैं तब भी करें। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार और नौकरी नहीं करते हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, किसी विशेष प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें नवरात्रि के दिन शुरू होने से पहले करना ये है कि जितनी भी उनकी किताबें हैं, जैसे कि घर के जितने भी लोग हैं, आप यूं देखेंगे कि सभी के कुछ ना कुछ अपने ही अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि जो आपकी मम्मी है उनका काम है घर का खाना बनाना, आपके पिता का काम है व्यापार संभालना, आपका काम है पढ़ाई करना। तो ये बात आप ध्यान रखें, घर के जितने भी लोग हैं सभी लोग मिल बांट के सफाई करें। घर की जो गृहिणी है वो अपनी किचन को अवश्य ही साफ करें। सभी बर्तनों को ये चेक करें कि कोई बर्तन टूटा हुआ तो नहीं है, कोई पिचका हुआ तो नहीं है। जो पिचके हुए हैं उन्हें अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जो गैस होती है गैस के आसपास बहुत ही प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है तो उन्हें भी आप साफ कर लें, क्योंकि वहां पर आप खाना बनाते हैं तो किचन में साफ सफाई होना बेहद ही आवश्यक है। अगर नवरात्रि शुरू होने से पहले आप सफेदी आदि वगैरह भी करा सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सफेदी कराने से जो दीवारों पर धूल मिट्टी आदि वगैरह जमा होती है, जो मकड़ी के जाले छोटे छोटे कीड़े जो दिखाई भी नहीं देते हैं वो भी सफेदी हो जाने की वजह से बाहर निकल जाते हैं। जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी किताबों को अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखें, उनमें ये देखें कि कोई कूड़ा कचरा कोई पर्ची आदि वगैरह आप उनमें बीच में तो नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर किताबों में इस प्रकार की चीजें बीच में अगर आप रखते हैं तो ये आपकी विद्या प्राप्ति में बाधा और ब्लॉकेज उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार सारी किताबों को आप चेक कर लें और सारी चीजें जो गंदगी आपने किताबों में भरी हुई है उन्हें निकाल कर फेंक दें, और बल्कि उनके स्थान पर मोर के पंख अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। किताबों के बीच में अगर मोर के पंख को रखा जाता है तो इससे देवी माँ सरस्वती की विशेष प्रकार की कृपाएं आप पर बरसने लग जाती हैं। नवरात्रि के दिन तो अपने में ही विशेष होते हैं, इन दिनों का जितना ज्यादा लाभ उठा लिया जाए उतना ही कम रहता है, क्योंकि पूरे साल में केवल ये 9 ही दिन तो आते हैं जो जीवन को परिवर्तन दे सकते हैं, एक दिशा ही बदल सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी चेक करें कि जो आपके घर के पौधे हैं गमले हैं उनमें तो किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, जो मरे हुए पौधे हैं जो सूख गए हैं उन्हें तो पहले ही आप निकाल कर फेंक दें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में अगर सूखे हुए पौधे आप अपने घर में लगाते हैं लगे रहने देते हैं तो ये केवल दुख को कष्ट को नकारात्मक ऊर्जा को ही आपके जीवन में घर में आकर्षित करते हैं।
तो इन चीजों को आप अवश्य ही निकाल दें, बल्कि इनके स्थान पर आप ये भी व्यवस्था कर लें कि तुलसी का पौधा लगाएं, केले का पौधा लगाएं या आंकड़े का पौधा भी अगर आप अपने घर में नवरात्रि के दिनों में लगाते हैं तो इससे उस घर में सुख और समृद्धि काफी गुना तेजी से बढ़ती है। इस बार आपको ये भी बता दें कि कलश स्थापना आप अवश्य ही करें। इस बार का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि के दिन शुरू होने से पहले इस बात पर भी आप विशेष ध्यान दें कि जिन बोतलों से आप पानी पीते हैं, जिस आरओ से पानी पीते हैं, उस आरओ को खोलकर आप ये भी चेक कर लें, क्योंकि जो फ्रेश वाटर जहां पर एकत्रित होता है, जहां पर इकट्ठा होता है, वहां पर बहुत दिनों से साफ सफाई ना करने की वजह से गंदगी की परत जमा हो जाती है और इसी पानी को आप पीते भी रहते हैं। तो नवरात्रि के दिन शुरू होने से पहले इसको खोलकर आप अवश्य ही साफ कर लें, जितनी बोतलें हैं उन्हें भी साफ कर लें, क्योंकि पानी के माध्यम से भी शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जाएं भरती हैं। इसी के साथ अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको ये बता दें कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में व्रत रखता है उसे संपूर्ण नवरात्रि का अपने आप ही लाभ बिना कुछ करे ही प्राप्त हो जाता है। बस आपको उसमें ये करना है कि व्रत वाली चीजों को खाना है तो व्रत वाली चीजें आप पहले ही लेकर आ जाएं, जिससे बाद में आपको इधर उधर ना भागना पड़े। क्योंकि अक्सर ये होता है कि नवरात्रि के दिनों में जब नवरात्रि शुरू हो जाती है तो उन दिनों में नवरात्रि की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो पहले ही आप खरीद कर लेकर आ जाएं, इससे काफी ज्यादा आपकी बचत हो सकती है। आलू, प्याज और टमाटर पहले ही आप मंगवा लें, क्योंकि नवरात्रि के दिन आने ही वाले हैं, उनमें ये चीजें सारी बहुत महंगी होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और नवरात्रि में टमाटर का सेवन करते हैं तो टमाटर बहुत ही ज्यादा महंगा होने वाला है, तो पहले ही आप खरीद कर लेकर आ जाएं। प्याज और लहसुन का नवरात्रि के दिनों में आप बिल्कुल भी सेवन ना करें, इसलिए आप ये देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन ही नहीं करते हैं, इसलिए प्याज सस्ती होने वाली है और कुट्टू का आटा या व्रत वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो पहले ही खरीद कर आप रख लें। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि मांस और मदिरा बिल्कुल भी ना खाएं, किसी को भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि अगर किसी से लड़ाई या अपशब्द आप दूसरे को बोलते हैं तो नवरात्रि के दिनों में जो विशेष प्रकार की तरंगे आप प्राप्त कर सकते थे वो फिर आपको प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए द्वेष भावना रख रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में जितना मौन व्रत आप धारण रख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना आप अकेले रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका शरीर शक्तिवान और ऊर्जाओं से भरेगा। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को दोबारा भी आप सुन सकते हैं सारी चीज़ों को एक बार फिर से जानने के लिए। नवरात्रि में कौन कौन सी चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोज़ में उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने में अभी समय है तो कोई चीज़ें रह ना जाएं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो नवरात्रि में वो कैसा रहेगा वो हम आपको बता देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।